नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इंडियन रेलवे के आर। यह एक न्यूज चैनल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि YouTube के माध्यम से आप मकान, दुकान, होटल या फिर किसी बड़े नेता का प्रचार कराना चाहते हैं और YouTube पर इसका एडवर्टाइजमेंट कराना चाहते हैं, तो आप हमसे अवश्य संपर्क करें। और हमारा दिया गया व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रीन पे शो कर रहा है, जिस पे आप मैसेज करके एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क कर सकते हैं। आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट है। रांची एक्सप्रेस के ऊपर रेलवे ने कुछ परिवर्तन करने का फैसला लिया है और यह फैसला रेलवे बोर्ड के कमिटी और मीटिंग में लिया गया है। यह क्या होगा फैसला, या फिर इसमें रेलवे ने क्या तोहफा देने का सोचा है, यह जानने के लिए हमारा यह वीडियो पूरा अवश्य देखें। तो चलिए यह लेटेस्ट वीडियो अपडेट शुरू करते हैं। भागलपुर से चलने वाली रांची के लिए दो ट्रेन चलती है, जिसमें पहली ट्रेन भागलपुर रांची एक्सप्रेस, जो कि भागलपुर से 4:55 पर शाम में खुलती है, और दूसरी ट्रेन 13404 भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस, जो कि 7:05 पर शाम में खुलती है और यह ट्रेन डेली चलती है। इसके अलावा इसमें रेलवे ने वनांचल एक्सप्रेस के तर्ज पर रांची एक्सप्रेस में भी बड़ा बदलाव करने का सोचा है, क्योंकि वनांचल एक्सप्रेस रांची के लिए प्रतिदिन चलती है। इसी के देखते हुए भागलपुर रांची एक्सप्रेस को भी प्रतिदिन रेलवे ने चलाने का फैसला लिया है। जी हां, आपने ठीक सुना, रांची का सफ़र अब प्रतिदिन भागलपुर से आप लोग कर सकेंगे, क्योंकि रेलवे ने एक बड़ा बदलाव एवं नए तोहफा दे करके भागलपुर वासी समेत अन्य जिलावासी को बड़ा सौगात दिया है। भागलपुर सांसद प्रतिनिधि प्रदीप कुमार इस मीटिंग में मौजूद थे, जहां पर यह फैसला लिया गया है। गौरतलब यह है कि इस ट्रेन का परिचालन आखिर कब से प्रतिदिन देखने को मिलेगा। फिलहाल एक रैक, जो कि भागलपुर से वनांचल एक्सप्रेस चलती है, इसका परिचालन प्रतिदिन तो होता है, लेकिन इंतजार है कि अब भागलपुर से रांची एक्सप्रेस चलने वाली ट्रेन का कब से परिचालन प्रतिदिन होगा। हालांकि प्रतिदिन इस ट्रेन का परिचालन ना भी हो तो यात्रियों को उतना ही फायदा होगा, लेकिन अगर प्रतिदिन हो जाता है तो फिर भागलपुर रांची एक्सप्रेस, जो कि जमालपुर क्यूल के रास्ते चलती है, इन रेलखंड को एवं इन रेलखंड पर रहने वाले यात्रियों को फायदा होगा। तो ये था आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुमत मिल सके और इस ट्रेन का परिचालन एवं रेलवे का तोहफा के बारे में सबको जानकारी मिल सके।